हेलो गाइस, ट्रिपल सी एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं अथर आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटेड 50 ऐसे क्वेश्चंस जो कि ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग भी ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी चैप्टर वाइज करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW के सेट वन के 10 क्वेश्चंस के बारे में। इंटरनेट पर लोगों से जुड़ने के लिए आप अक्सर उनके डॉट 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 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन वन डोमेन नेम, ऑप्शन टू ईमेल एड्रेस, ऑप्शन थ्री यूजर नेम, ऑप्शन फोर पासवर्ड। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू ईमेल एड्रेस। यानी ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए जिस यूजर से आप जुड़ना चाहते हैं या उनसे बात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास में उनका ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में डॉट 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 का होना जरूरी है। ऑप्शन वन एक पेंटियम प्रोसेसर, ऑप्शन टू एक एंटीवायरस, ऑप्शन थ्री एक पासवर्ड प्रोटेक्शन, ऑप्शन फोर एक आईपी पता। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर एक आईपी पता। यानी एक आपके पास यूनिक आईपी एड्रेस होना बहुत जरूरी है अगर आप इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर से जुड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफटीपी मूल रूप से एक डॉट 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 है। ऑप्शन वन प्रोटोकॉल, ऑप्शन टू लैंग्वेज, ऑप्शन थ्री वेब ब्राउजर, ऑप्शन फोर वेब पेज। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन प्रोटोकॉल। यानी एफटीपी एक प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूआरएल का अर्थ क्या है। यहाँ आपको यूआरएल की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन वन अनलिमिटेड रिजल्ट लॉग, ऑप्शन टू यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन थ्री अनलिमिटेड रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन फोर यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीपीएन क्या है। यहाँ आपको वीपीएन की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन वन वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, ऑप्शन टू वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन थ्री वर्चुअल प्राइमरी नेटवर्क, ऑप्शन फोर वर्चुअल प्रिंट नेटवर्क। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML का अर्थ है। यहाँ आपको फुल फॉर्म बतानी है HTML की। ऑप्शन वन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन टू हाइपर टेक्स्ट मार्क्ड लैंग्वेज, ऑप्शन थ्री हाइपर टेक्स्ट मेक आउट लैंग्वेज, ऑप्शन फोर हाइपर टेक्स्ट मेकअप लिंक। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनचाहे ईमेल के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो यहाँ आपको बताना है कि अगर आपके पास में कुछ ऐसे मेल्स आते हैं जो आप चाहते नहीं हैं, यानी कि अपने आप से आ जाते हैं, तो वो मेल आपको कहाँ पर दिखाई देंगे। ऑप्शन वन वेस्ट, ऑप्शन टू न्यूज़ ग्रुप, ऑप्शन थ्री फ्लेयर्स, ऑप्शन फोर स्पैम। तो देखिए, ऐसे जो मेल होते हैं उसको स्पैम मेल बोला जाता है। वो मेल आपको स्पैम के नाम से एक अलग से आपको ऑप्शन मिलेगा इनबॉक्स के जस्ट नीचे, वहाँ आपको स्पैम में ही सारे मेल्स मिल जाते हैं इस तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है। ऑप्शन वन यूजर नेम, ऑप्शन टू डोमेन नेम, ऑप्शन थ्री एट द रेट, ऑप्शन फोर प्रोटोकॉल। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर प्रोटोकॉल। यानी प्रोटोकॉल जो है वो ईमेल एड्रेस का भाग नहीं होता, जबकि ये तीनों यूजर नेम डोमेन नेम और एट द रेट आपको ईमेल एड्रेस के अंदर मिल जाते हैं। यानी ईमेल एड्रेस में शुरू में यूजर नेम होता है, उसके बाद एट द रेट होता है और लास्ट में डोमेन नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस डिवाइस द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेज भेजे जाते हैं। ऑप्शन वन रिपीटर, ऑप्शन टू हब, ऑप्शन थ्री मॉडेम, ऑप्शन फोर राउटर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों को हस्तांतरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन वन SMTP, ऑप्शन टू FTP, ऑप्शन थ्री IP, ऑप्शन फोर HTTP। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू FTP। FTP की फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW के सेट टू के 10 क्वेश्चन के बारे में। याहू, गूगल और इन्फोसीक हैं। तो ये आपको बताने हैं कि ये वेब ब्राउजर हैं, न्यूज़ ग्रुप हैं, सर्च इंजन हैं या एंटीवायरस हैं। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री सर्च इंजन। यानी याहू, गूगल और इन्फोसीक सर्च इंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विषम का पता लगाएं। तो यहाँ आपको एक इनमें से भिन्न बताना है कि कौन सा इनमें से अलग है। ऑप्शन वन मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन टू नेटस्केप नेविगेटर, ऑप्शन थ्री इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन फोर रेडिफ।
तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रेडिफ। यानी रेडिफ इन चारों में अलग है, बाकी ये जो ऊपर तीन दे रखे हैं ये वेब ब्राउजर होते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये तीनों आपके वेब ब्राउजर हैं, जबकि रेडिफ एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब के संदर्भ में यूआरएल का अर्थ है, तो यहां आपको फुल फॉर्म बतानी है यूआरएल की। ऑप्शन 1 अनइंटरप्टेड रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन 2 यूनिक रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन 3 यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन 4 यूनिफॉर्म राउटर लोकेशन। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेब सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन 1 याहू, ऑप्शन 2 अल्टा विस्टा, ऑप्शन 3 बिंग, ऑप्शन 4 गूगल। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिंग, यानी बिंग एक ऐसा सर्च इंजन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वर नेटवर्क के लिए फाइलों को स्टोर करता है और इन्हें मैनेज करता है, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सर्वर ऐसा है जो नेटवर्क के लिए फाइलों को स्टोर करता है और साथ में मैनेज भी करता है। ऑप्शन 1 ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन 2 प्रॉक्सी, ऑप्शन 3 एप्लीकेशन, ऑप्शन 4 फाइल। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फाइल, यानी फाइल सर्वर जो है वो नेटवर्क के लिए फाइलों को स्टोर करता है और उन्हें मैनेज भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी डिवाइस डॉट 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 संरचना का अनुसरण करता है, तो यहाँ आपको बताना है कि जो यूएसबी डिवाइस है वो किस तरह की संरचना का अनुसरण करता है। ऑप्शन 1 लिस्ट, ऑप्शन 2 हफमैन, ऑप्शन 3 हैश, ऑप्शन 4 ट्री। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउटर एक डॉट 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 के समान कार्य करता है, तो यहाँ आपको बताना है कि राउटर इनमें से किसके समान कार्य करता है। ऑप्शन 1 हब, ऑप्शन 2 स्विच, ऑप्शन 3 ब्रिज, ऑप्शन 4 रिपीटर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएसआई रेफरेंस मॉडल में कितनी परत होती है? ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 7, ऑप्शन 4 9। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 WAN, ऑप्शन नंबर 2 LAN, ऑप्शन 3 MAN, ऑप्शन 4 SAN। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 WAN, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि वाइड एरिया का मतलब होता है कि हम और आप लोग एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं वो वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट डॉट 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 का प्रयोग करता है? ऑप्शन 1 पैकेट स्विचिंग, ऑप्शन 2 सर्किट स्विचिंग, ऑप्शन 3 टेलीफोन स्विचिंग, ऑप्शन 4 टेलेक्स स्विचिंग। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पैकेट स्विचिंग। अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW के सेट 3 के 10 क्वेश्चंस के बारे में। निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है? ऑप्शन 1 सफारी, ऑप्शन 2 गूगल, ऑप्शन 3 नेटस्केप नेविगेटर, ऑप्शन 4 ओपेरा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गूगल, यानी गूगल एक सर्च इंजन होता है, जबकि सफारी, नेटस्केप नेविगेटर और ओपेरा ये तीनों आपके वेब ब्राउजर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीमेल में अटैचमेंट की अधिकतम फाइल साइज सीमा डॉट 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 है, तो यहाँ आपको बताना है कि अगर आप जीमेल के थ्रू मेल करते हैं और मेल में आप कोई फाइल अपलोड करके भेजते हैं तो आप मैक्सिमम कितनी बड़ी फाइल को एक बार में अपलोड कर सकते हैं। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 25 MB, यानी 25 MB तक हम मैक्सिमम फाइल अटैचमेंट में लगा सकते हैं और मेल के थ्रू उसको भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? तो यहाँ आपको सर्च इंजन बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन 1 सफारी, ऑप्शन 2 गूगल, ऑप्शन 3 बिंग, ऑप्शन 4 बैदू। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सफारी, यानी सफारी एक सर्च इंजन नहीं है, वो एक वेब ब्राउजर है, जबकि गूगल, बिंग और बैदू ये तीनों आपके सर्च इंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला सर्च इंजन था, तो यहाँ आपको बताना है कि सबसे पहला जो सर्च इंजन था वो कौन सा था इनमें से। ऑप्शन 1 गूगल, ऑप्शन 2 नेटस्केप, ऑप्शन 3 सफारी, ऑप्शन 4 आर्ची। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आर्ची, यानी आर्ची जो है वो पहला सर्च इंजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से दूसरे वेब पेज पर जाने को कहा जाता है। ऑप्शन 1 मूविंग, ऑप्शन 2 ब्राउजिंग, ऑप्शन 3 ट्रांसफरिंग, ऑप्शन 4 स्विचिंग। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ब्राउजिंग, यानी अगर एक वेब पेज से आप दूसरे वेब पेज पर जाते हैं तो उसको ब्राउजिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल की स्थापना इस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन 1 1996, ऑप्शन 2 1998, ऑप्शन 3 1999, ऑप्शन 4 1995।
तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, 1998, यानी 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएमएस का तात्पर्य डॉट 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 से है, तो यहाँ पर एसएमएस की आपको फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन वन स्मॉल मैसेज सिस्टम, ऑप्शन टू स्मॉल मेल सर्विस, ऑप्शन थ्री शॉर्ट मैसेज सर्विस, ऑप्शन फोर शॉर्ट मैसेज सिस्टम। तो यह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, शॉर्ट मैसेज सर्विस, यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट पर किसी संसाधन का पता कहलाता है। ऑप्शन वन आईएसपी, ऑप्शन टू एचटीटीपी, ऑप्शन थ्री यूआरएल, ऑप्शन फोर www। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री यूआरएल, यानी यूआरएल जो है वो इंटरनेट पर किसी भी रिसोर्स का पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन वन एनएस, ऑप्शन टू पिंग, ऑप्शन थ्री लोकेट, ऑप्शन फोर डोमेन। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू पिंग, यानी पिंग का यूज करके हम नेटवर्क का परीक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा तैयार किया गया सर्च इंजन है, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू फॉल्स, यानी ये फॉल्स है। क्रोम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित नहीं किया गया, जबकि क्रोम को गूगल ने बनाया है। गूगल क्रोम के नाम से ये सॉफ्टवेयर होता है, वेब ब्राउजर होता है, और ये भी एक सर्च इंजन नहीं होता। तो इसमें दो गलतियां हैं कि ये बोल रहे हैं कि एक सर्च इंजन होता है, ये एक सर्च इंजन नहीं होता। गूगल क्रोम जो होता है वो एक वेब ब्राउजर होता है, और वो भी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नहीं बनाया गया है, वो गूगल द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू फॉल्स। अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW के सेट 4 के 10 क्वेश्चन के बारे में। IMEI का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ आपको फुल फॉर्म बतानी है IMEI की। ऑप्शन वन इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट इंफॉर्मेशन, ऑप्शन टू इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ऑप्शन थ्री इंटरनेशनल मोबाइल एजुकेशनल आइडेंटिटी, ऑप्शन फोर इंटरनेशनल मशीन इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डवेयर एड्रेस को डॉट 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 के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ आपको बताना है कि एक सिस्टम का जो हार्डवेयर एड्रेस होता है उसको हम किस तरह से जानते हैं। ऑप्शन वन मैक एड्रेस, ऑप्शन टू आईपी एड्रेस, ऑप्शन थ्री नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ऑप्शन फोर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन मैक एड्रेस, यानी एक हार्डवेयर एड्रेस जो होता है एक सिस्टम का वो मैक एड्रेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट शासित होता है, यानी इंटरनेट को कौन गवर्न करता है। ऑप्शन वन WWWC, ऑप्शन टू IETF, ऑप्शन थ्री इंटर NIC, ऑप्शन फोर नन ऑफ दीज। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन WWWC, इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, यानी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के नाम से, जो इंटरनेट को गवर्न करती है, यानी कि ये सब देखरेख करती है इंटरनेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, आपको बताना है कि सबसे ज्यादा यूजर किस कंट्री में है। ऑप्शन वन USA, ऑप्शन टू चीन, ऑप्शन थ्री भारत, ऑप्शन फोर रूस। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू चीन, यानी चीन में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुकमार्क करने के लिए डॉट 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 दबाते हैं, यानी अगर आप वर्तमान पेज को बुकमार्क करना चाहते हैं गूगल क्रोम पर, तो आपको कौन सी शॉर्टकट की यूज करनी होगी। ऑप्शन वन Ctrl+D, ऑप्शन टू Ctrl+B, ऑप्शन थ्री Ctrl+Shift+B, ऑप्शन फोर Ctrl+Shift+J। तो यह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन Ctrl+D, यानी कंट्रोल के साथ डी यूज करके आप गूगल क्रोम पर एक बुकमार्क बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक एक ई कॉमर्स साइट है, तो आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू फॉल्स, यानी फेसबुक एक सोशल नेटवर्क साइट है, ना कि ई कॉमर्स साइट। ई कॉमर्स साइट में इस तरह की साइट आ जाती हैं जैसे Amazon, Flipkart, ये सब हमारी ई कॉमर्स साइट होती हैं, जबकि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब सोशल नेटवर्क साइट होती है, ना कि ई कॉमर्स साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड एक सेंट्रल नोड से जुड़ी होती है, तो ये बताना है आपको ट्रू या फॉल्स। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू फॉल्स, यानी रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड जो होती है वो एक सेंट्रल नोड से जुड़ी हुई नहीं होती, सेंट्रल नोड से जुड़ी हुई होती है स्टार टोपोलॉजी के अंदर, जबकि रिंग टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, यानी अगर एक सिस्टम पर कनेक्शन चला जाता है तो सारे के सारे सिस्टम पर से कनेक्शन हट जाता है। तो रिंग टोपोलॉजी एक सर्किल के समान होती है, यानी एक सर्किल में एक दूसरे से सिस्टम सभी जुड़े हुए होते हैं। तो यह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलनेट का प्रयोग रिमोट लॉगिन के लिए होता है, तो यहां आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स।
तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रू, यानी टेलनेट एक रिमोट लॉगिन करने के लिए एक एप्लीकेशन होती है जिसके थ्रू हम अपने सिस्टम के सारे राइट्स किसी दूसरे इंसान को इंटरनेट के माध्यम से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेट लेन का उदाहरण है, ये बताना है आपको ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, इंटरनेट एक लेन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेन एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो शहर भर में फैला है, ऑप्शन 1 ट्रू, ऑप्शन 2 फॉल्स। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रू, यानी मेन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी एक ऐसा नेटवर्क है जो एक शहर के अंदर फैला हुआ होता है, और एक होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क जो कि एक संस्था या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगा हुआ होता है, और एक होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क जो कि एक भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ होता है, यानी कि हम और आप सब एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं वो हम वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रू, यानी मेन एक ऐसा नेटवर्क है जो एक शहर के अंदर फैला हुआ होता है। अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW के सेट 5 के 10 क्वेश्चन के बारे में। यूजर के कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल ट्रांसफर करना कहलाता है। तो यहाँ आपको यूजर के कंप्यूटर से मतलब यह है कि आप एक यूजर हैं और आप अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन 1 डाउनलोडिंग, ऑप्शन 2 ट्रांसफरिंग, ऑप्शन 3 एक्सेसिंग, ऑप्शन 4 अपलोडिंग। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अपलोडिंग, यानी हम अपने सिस्टम से अगर कोई फाइल इंटरनेट पर ट्रांसफर करते हैं तो वो अपलोडिंग कहलाता है। एक दूरस्थ मशीन से एक स्थानीय मशीन पर डेटा प्राप्त करने को डॉट 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 कहा जाता है। तो यहाँ दूरस्थ मशीन से मतलब यह है कि कोई रिमोट मशीन है, आप उससे अपनी फाइल को एक लोकल मशीन यानी अपने सिस्टम पर लेना चाहते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन 1 ट्रांसफरिंग, ऑप्शन 2 एक्सेसिंग, ऑप्शन 3 अपलोडिंग, ऑप्शन 4 डाउनलोडिंग। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डाउनलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेट एक्सप्लोरर एक डॉट 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 है जिसे डॉट 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 ने विकसित किया है। तो यहाँ आपको बताना है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर इनमें से क्या है और वो किसने विकसित किया है। ऑप्शन 1 सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन 2 कंपाइलर IBM, ऑप्शन 3 सर्च इंजन IBM, ऑप्शन 4 ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट, यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर होता है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ई कॉमर्स ई लर्निंग ई बैंकिंग आदि ई सर्विसेज हैं। तो ये आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रू, यानी ये बिल्कुल सही है। ई कॉमर्स ई लर्निंग और ई बैंकिंग जो है वो ई सर्विस के एग्जांपल्स हैं। देखिए ई कॉमर्स का मतलब होता है कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो वो ई कॉमर्स कहलाएगा। ई लर्निंग यानी इंटरनेट के माध्यम से अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप उसको ई लर्निंग बोला जाता है, और अगर आप ई बैंकिंग का यूज करते हैं तो ई बैंकिंग से आप अपनी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, बैंक ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन गूगल क्रोम विंडोज का मूल ब्राउजर है। तो ये आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फॉल्स, यानी ये गलत है। विंडोज का जो मूल ब्राउजर होता है, जो डिफॉल्ट ब्राउजर होता है विंडोज का, वो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर, जबकि गूगल क्रोम जो है वो गूगल द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैक का पूर्ण रूप है, मैक की फुल फॉर्म आपको बतानी है। ऑप्शन 1 मीडिया एरिया कंट्रोल, ऑप्शन 2 मेमोरी एक्सेस कंट्रोल, ऑप्शन 3 मेमोरी एरिया कंट्रोल, ऑप्शन 4 मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो यह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नेटस्केप नेविगेटर GUI के साथ बनाया गया पहला वेब ब्राउजर है। तो ये आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रू, यानी ये बिल्कुल सही है। नेटस्केप नेविगेटर पहला GUI वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने वेब ब्राउजर को कुछ साइटों को दिखाने से नहीं रोका जा सकता, यानी कि हम वेबसाइट पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। तो आपको बताना है ऑप्शन 1 ट्रू, ऑप्शन 2 फॉल्स। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फॉल्स, यानी ये बिल्कुल गलत है। वेब ब्राउजर में अगर हम किसी साइट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं यानी कि उसको ब्लॉक करना चाहते हैं तो हम ब्लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने वेब पेज पर पिक्चर ग्राफिक या लिंक जैसे अवयवों को भी सेव किया जा सकता है। ऑप्शन 1 ट्रू, ऑप्शन 2 फॉल्स। तो यह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रू, यानी ये बिल्कुल सही है। अगर हम वेब पेज पर किसी पिक्चर को ग्राफिक को या लिंक को सेव करना चाहें तो कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसपी का पूर्ण रूप सूचना स्रोत प्रदाता है, यानी आपको फुल फॉर्म बतानी है। आईएसपी की इंफॉर्मेशन सोर्स प्रोवाइडर होती है, आपको ये बताना है सही है या गलत। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, फॉल्स, यानी ये बिल्कुल गलत है। आईएसपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जबकि यहां लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन सोर्स प्रोवाइडर। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, फॉल्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।